हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे मैथ सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, उसकी जो एक्सरसाइज 1.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, ये मुझे बोल रहा है कि 64 करना क्या है, फाइंड इसकी वैल्यू मुझे पता करनी है। और मुझे दे क्या रखा है क्वेश्चन, 64 इसकी पावर कितना है, 1/2, इसकी घात कितनी है, 1/2 दे रखी है, ठीक है ना। अब इसको हम देखो कर क्या सकते हैं, 64 में यदि हम 2 की पावर यहाँ पे कितना कर दें, 2 की पावर यदि हम इसमें, यदि हम यहाँ पे पावर 2 है, यदि 2 की पावर हम कितना कर दें इसमें, 2 की पावर इसमें कर दें 6, कितना कर दें 6 कर दें, और इसे कुछ इस तरीके से लिख दें 1/2 इसकी जो पावर दे रखी है, कुछ ऐसे कर दें, 2 की पावर 6 करेंगे तो मुझे 64 ही मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आपको देखो एक प्रॉपर्टी होती है, एक फॉर्मूला होता है, यदि ए की पावर m लिखा हुआ है, ए की पावर m लिखा हुआ है, इसकी भी पावर हमें दी n लिखी हुई है, ठीक है, इसकी भी पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू एन, ठीक है ना। इस तरीके से इसे करेंगे तो इसे देखो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू 1/2, 2 से इसको कट कर रहे हैं, 2 3 या 6, इसे इस तरीके से लेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा, 2 की पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 8, ठीक है ना। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इसको दूसरा तरीका और भी है, इसको देखो यहाँ पे सीधा हम इस रख सकते थे, 64 लिखा हुआ है, 64 को हम लिख सकते थे 8 की पावर 2, ठीक है ना, 8 की पावर 2, और ये पावर 1/2 है, तो ठीक है ना। आपको एक प्रॉपर्टी और पता, यही प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये याद कर लेना, यही सभी फॉर्मूला में यही लगने वाली है। तो हम लिख सकते थे 8 की पावर ये 2 × 1/2, ठीक है ना, 2 से 2 कट जाता, तो मेरा आंसर डायरेक्टली यहाँ से 8 आ जाता, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए वैल्यू किस तरीके से आती है, ठीक है ना। चलिए ये हमने कर लिया, हम इसका जो क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट सेकंड है उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है मेरा, सेकंड पार्ट 32 लिखा हुआ है, तो हम इस पर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, इसकी पूरे की पावर कितना है, 1/5, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, इसी किस तरीके से लिख देंगे, 2 इस पूरे की पावर कितना है मेरे पास, कितना है 5, और मल्टीपल, ठीक है ना, 1/5, तो हम देखेंगे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 बचा, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आंसर मेरा आ गया 2, राइट। इसका थर्ड देखते हैं, 1/5 में क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, ठीक है ना, 5 की पावर 2, इसकी पूरे की पावर कितना लिखा है, 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, इसी प्रॉपर्टी का मुझे यूज़ करना है, ठीक है, सभी में ही करना है। तो ये किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, 5 की पावर कितना लिखा हुआ है, 2 × कितना है, 5 की पावर 3 लिखेंगे, 5 की पावर 3 की वैल्यू 125 ही होती है, 5 का क्यूब 125 ही होता है, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया 3 × 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 की पावर 1 बचा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर मेरा आ जाएगा 5, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही पार्ट हो गए, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, जय हिंद।